الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صلت الله. صلت الله. जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है ख्वा तुम उन्हें ख़बरदार करो या ना करो बहर हाल वो मानने वाले नहीं हैं अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है वो सख्त सज़ा के मुस्तक हैं बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान लाए हैं हालाँकि ज़रा हकीकत वो मोमिन नहीं है वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही के को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें उनका शूर नहीं है उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया वो झूठ बोलते हैं उनकी उसकी पैदाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है जब जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पे फसाद बर्पा न करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इसलाह करने वाले हैं खबरदार हकीकत में यही लोग मुस्त हैं मगर उन्हें शहूर नहीं है और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ तो उन्होंने यही जवाब दिया क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं ख़बरदार हकीकत में ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं जब ये अहिल ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में हम तो तुम्हारे साथ हैं और उन लोगों से हम मजाक कर रहे हैं अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है और उनकी रस्सी दराज़ किया जाता है ये अपनी सरकशी में अंधों की तरफ भटकते चले जाते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के लिए हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है मगर ये उनका सूद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हर सही रास्ते पर नहीं है शैतान अल्मदिल्लादी हदमाकम बसम पिछली दफ़ा हमने सुलह बकर वो पहली पाँच आयतें पढ़ी थी कि मुत्तकीन इस क़ुरान से फ़ायदा उठाने वाले लोग कौन लोग हैं उनकी अल्लाह पाक ने ये छः सिफतें बयान फरमाई थी और फिर अब दूसरे ग्रोह का ज़िक्र अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि नल्लदीन नफ़रु बेशक वो लोग जो इन बातों को नहीं माना उन्होंने इनकार किया कुफर किया कफ़रा याकफ़र इनकार करना या छुपाना कि उन्होंने इन बातों से इनकार किया सवाउन उनके लिए बराबर है सवाउन बराबर होना मसावी उर्दू में भी हम कहते हैं मसावी उन पर अंदरत तो क्या या ख्वाज़ जिसको कहते हैं चाहे अंदरत तो हम उनको डराए अम लम तो हम या उनको न ड्राए था जमा कर लें लाइयो मिन वो ईमान लाने वाले नहीं हैं पहले तो ये बात है कि ये सारे काफरों के लिए ये नहीं है ये वो लोग हैं जिनको ये बातें पता चल चुकी हैं ये छह सिफतों का वो इनकार कर रहे हैं उनके लिए है कि उनको चाहे आप डराएं या ना डराएं वो वही मान लाने वाली वरना उदूर सल वसलम तो आई सारे काफरों के लिए काफरों पर उन्होंने मेहनत की अल्लाह पाक ने उनको सारे काफर इससे मुराद नहीं है ये वो हट धर्म काफर मुराद हैं इनसे कि जिनको ये वादे होने के बावजूद भी उन्होंने मानने से इनकार किया तो ये उनके है कि अब इनको चाहे डराओ या न डराओ अब इन पे कोई असर नहीं होने वाला इनके लिए बराबर है स्वाव न ले के लिए बराबर है अंदरता हम ये अंदरा डराने के माने में या तंबी करने के माने में या इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इलम दिया जाए जिससे उसको तो मुहतात रहे उस बंदा नजीर, से नजीर इसी से निकला है वैसे तो, तो इसका रूट लेटर नून जा रा है न, ना जा रहा वो के वो नजर मानना लेकिन इसको बाब फाल में जब गया तो अन जरा जब हुआ तो उसका ये मतलब है डराना या वो इलम देना जिससे वो बंदा मोहतात हो जाए उस बारे में खबरदार करना खबरदार करना जिसके जिससे मुनासिब लफज है ख़बरदार करना वो इतना इलमजरता क्या तू उनको डराए हम उनको आंदरता हम ख्वा तो उनको डराए अम या अम का मतलब सिंपल ला लम तुन हम तुन जेर उसी का आंदरा का जो मुजारे है आंदरा यून जेरो से तू के लिए तुन हो जाएगा अम लम तुन तुन जेरो लेकिन ये लम के साथ जो नफ़ी होती है मुजारे की तो उस पर तुन ज़रों के बजाय तु जर हो जाता है ये जजम है उसके लिए जज़म दे देता है मुजारे को जज़म देता है लम और इसके मानी में तब्दीली ये आती है कि अम लम तुन झिर हम तो उनको नफ़ी हो जाती है और माजी में कन्वर्ट हो जाता है लम तुन जर हम तो उनको डराए या ना डराए वैसे तो तुन का मतलब है कि तू उनको डराता है या तू उनको डराएगा तो लम तोन जेर का मतलब ये हो जाएगा तू न, 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 न डराए तू माजी में चला जाता है मुजारे लम्तन जेर हम तू उनको न डराए तू तु, उनको डराए या न डराए ला यो मिन ला नहीं लाए ला यो मिन नहीं ईमान लाते यो मनु आमना यो मनु पिछली दफ़ा भी आया था ईमान लाना दिल में तस्लीम करना दिल से उस बात को मान लेना ये ईमान लाने वाले नहीं हैं तो ये वो दूसरा ग्रुप है कि जो जिन्होंने हट दर्मी से जानबूझ के बात को समझ के जो उन्होंने इनकार किया है उनके मतलक अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अब तुम्हारा डराना या डराना ना डराना इनके लिए बराबर है ये अब ईमान लाने वाले नहीं हैं आगे अल्लाह पाक फिर फरमा रहे हैं कि ख़त्म अल्लाह अल्लाह ने मोहर लगा दिए खातमा मोहर लगाने तब भी इस कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसका भी तकरीबन यही मतलब है खातमा अल्लाह ने बंद कर दिया है मोर लगा दिया अल्लाह ने मोर लगा दी अला कलूब अला पर कुलूब कल्ब की जमा है कलूब हिम उनके, उनके दिल उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है वह अलासम इम और उनके कानों पर भी मोर लगा दिया है उनकी समात पर भी मोर लगा दिया है वह अलाबसारिम और उनकी आंखों पर अबसार आँखें बसर की जमा है बसर उनकी की जमा है अबसार आँखों की आँखें वाला अबसार हिम उनकी आँखों पर गिशावतुन गिशावतुन पर्दा है गाशिया यक्षा पर्दा डांडला ढांप देना गाशिया ढांप देना यक्षा उसी से मुजारे है गिशावा पर्दा कि उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है वलहम और उनके लिए अदाब उन अदाब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है सजा या अदाब उन अजीम बहुत बड़ा अजीम कि उनके लिए बहुत बड़ा अदाब है ये दो आयतें इस काफिर ग्रुप जो हट धर्मी वाला काफिर है जिन्होंने बात को समझ के इनकार कर दिया उसके मतलब अल्लाह पाक ने फरमा दिया इनके दिल अल्लाह ने बंद कर दिए खत्म बंद कर देने खत्म का मतलब है कि अब उम्र में हक बात जा नहीं सकती जो बातिल उनके अंदर घुस गया है वो निकल नहीं सकता मुकम्मल बंद हो गया उनके दिल तो ऐसे हम तो देखते हैं दुनिया में भी जिसको हम बात करें कि दीन की बात करें कई लोग समझते हैं कई लोग जब हट दर्मी पर उतर आते हैं तो फिर जो मर्जी है उनके साथ कर लो वो ऐसे पलट जाते हैं उनके दिल के फिर कोई बात उन पर असर करती नहीं है आम मुचाहत है जो दीन का काम करने वाले लोग हैं या किसी से बात कर लें तो उनके दिलों पर वाकई मोर लग मोर लग जाती है बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कुरान की आयत पेश करते हैं आप देखें ना दुनिया में आप देख कुरान की आयत पेश करते हैं फिर भी वो बात नहीं माने हजूर सल्लम का मुबारक फरमान सामने आ जाता है फिर भी वो हट दर में वो बात मानते हैं तो ये वो हट धर्म काफिर ग्रोह के इनके दिल में अब ईमान आने का नहीं है अब अगली जो रकू शुरू हो रहा है अगला जो है वो तीसरा ग्रुप है पहले तो मुतकीन वाला ग्रुप था वो छह सिफ्तों वाले ग्रुप थे उलाय का हमलमुफलहून पर जो ख़त्म हुए थे फलाह पाने वाले वो लोग ये दरमियान में वो लोग हैं जिनके लिए अदाब अजीम है आगे अल्लाह पाक ने दूसरा ग्रोह शुरु नास और लोगों में से कुछ मिन शे होता है तबीज वाला या जैसे उस तफसील में तो हमने कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं मई यकूल जो मन का मतलब होता है कौन या जो कोई मन यकूल हो जो कहता है इसका लफ्सी तर्जमा तो होगा जो कहता है लेकिन ये मन जो है ये सिंगल के लिए भी इस्तेमाल होता है तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है तो ना से लोगों में से कुछ लोग तो फिर माँ यकूल हो इसका तर्जमा करेंगे जो कहते हैं जो कहते हैं एक आदमी के लिए नहीं है जो ये कहते हैं वरना तो वो जो कहता है तर्जुमा तो ये बंद है माँ यकूल हो जो ये कहते हैं काला यकूल हो कहा उसने यकूल हो वो कहते हैं वो कहता है वो कहता है तो यकूलूना यकूना इसलिए नहीं है कि मन के लिए एक ही लफज ये सी इस्तेमाल होता है मैकलू जो कहते हैं आफ् उर्दू में इस्तेमाल होता है ना का है तो ओरिजिनल लफ्ज़ वो काला भी काफ वाऊला है उसका रूट लेटर लेकिन उसको माजी में बनाने के लिए वाह को लफ से बदला गया उसके एक प्रिंसिपल है काला लेकिन काउल फिर इस्तेमाल होता है काला उसका उसका काला मस्तर उसी तरह इस्तेमाल होता है कालान तो काला यक़ूलो वो कहते हैं तो मैं यक़ूलो जो कहते हैं आमन्ना ये वही लफ्ज़ है ऊपर यो मेनु नाम पढ़ के आमना यो मेनु आमन्ना आमन्ना हम ईमान ले आए माजी है आमन्ना हम सारे ईमान लमा मुतक्लम का सीखा है हम ईमान लाए कुछ में ही कुछ में कुछ लोग हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाए अल्लाह पर ये मोमनों का अकीदा है क्या हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और वो भी यही कह रहे हैं आमन्ना बिल लाए हम अल्लाह पर ईमान लाए व बिल यौमिल आखिर और आखिर बाद में आने वाला दिन यौम आखिर जो क्यामत का दिन जिसको हम कहते हैं ये यौमिल आखिर अल यौमिल आखिर जो ये सिफत मसूफ़ है कि आखिर बाद में आने वाला दिन यानी क्यामत का दिन हम क्यामत के दिन पर हम ईमान लाते हैं लेकिन अल्लाह पाक, अल्ला पाक कह रहे हैं कि अल्लाह पाक कह रहे हैं वमा हम बेमोमिन वो बिल्कुल भी मोमिन नहीं हैं हालांकि वो क्या कह रहे हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आख़रत पर तो वो बिल्कुल मोमिन नहीं है तो ये आम तौर पर तफसीर तो यही है कि ये मुनाफिकीन लोग हैं जो जारी तौर पर ईमान का इज़हार करते हैं लेकिन वो ईमान लाए नहीं है लेकिन इस पर ये मदनी सूरत है ये मदीना के बिल्कुल शुरू में दूसरा रसम जब वहाँ तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ ये मुनाफ़त वाला जो ग्रोप पैदा हुआ ना वहाँ हुआ मक्का में मक्नाफ़त या काफ़र थे या बिल्कुल सही मुसलमान थे मदीना में जा के ये मुनाफत वाले लोग वहाँ एक ग्रोप बना इसमें मदीना में यहूद आबाद थे बहुत ज़्यादा यहूद आबाद थे जिन भी थे और ये वो लोग हैं शायद ये वो लोग भी हो सकते हैं वो भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं ये वो लोग कह रहे थे कि हम भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रिसालत का जिक्र नहीं है न इसमें रिसालत का जिक्र नहीं है तो ये ये भी हो सकता है कि वो यहूदों यानी दूसरे मुनाफिक भी हैं जो जसो खजरत वाले यहूद हतना हो लेकिन मुनाफिक वो भी हो सकते हैं लेकिन ये उनका भी जिक्र हो सकता है वो तो दावा कर रहे थे कि हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं आख़िरत पर ईमान रखते हैं अल्लाह कहते हैं वमा हम बेमोमीन वो बिल्कुल भी ईमान वाले नहीं हैं तो ये वो ग्रुप भी हो सकता है मुनाफिकों के साथ जिनको हम रूटीनली मुनाफ़ कहते हैं वो जो जिक्र आगे आ रहा है मुनाफ़ कहते हैं उसके अलावा ये ये भी हो सकते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं और आखिरत पर ईमान वाकई रखते भी हों और दावा भी कर रहे हैं व माँ हम बोमिन वो बिल्कुल मोमिन नहीं है ये इसका तर्जमा जो है इतना खूबसूरत लफ्ज़ है ऐसे हम मोमिन हसर सिंपल सेंटेंस होगा तो वो मोमिन हैं हम मोमिन माह हम मोमिन वो मोमिन नहीं हैं माह हम मोमिन बनेगा हम मोमिनून वो मोमिन है माह हम मोमिन व मोमिन नहीं है ये बे जब लगाएंगे तो वो अलत जर में भी चला गया मोमिनून मोमिन में कन्वर्ट हो गया ये बे जब लगेगा तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी मोमिन नहीं है वो ये साबित करने के लिए जरा बराबर भी उनमें ईमान नहीं है यानी योम आखिरत पर दावा भी है उनका और अल्लाह पर भी ईमान का दावा है रिसालत के बग़ैर उन पर ये मोमिन नहीं ममां बेमिन ये बिल्कुल भी मोमिन नहीं युखादे युखादे खादा, तो यखदा होता है यु खन यु खाद ऊना खाद आ उसी उस को भी दाद आफाला में लेके गए हैं खदा माना दोनों का एक ही है यु खाद खादा आ का भी वही माना है खद आ का भी वही माना है सलासी मुजरद का भी वही माना है और ये जो उसमें लेके गए हैं बा कौन सा मुफाइला में जब लेके गए खादा। खाद आ यु खाद ऊना वो धोखा देते हैं खदा यखदा का मतलब होता है धोखा देना यु खाद ऊना वो धोखा देते हैं अल्लाह अल्लाह को अल्लाह मफूल पर ज़बर होती है युदा अल्लाह वो अल्लाह को धोखा देते हैं इस वक्त यहाँ पे मफूल अल्लाह खा ये खादे का युद्ध रून अल्लाह वो अल्लाह को धोखा देते हैं वल्लीना आमनु और ईमान वालों को तो ये लोग जो हैं जो दावा कर रहे हैं ईमान का अल्लाह पर ईमान का और आखरत पर ईमान का ये ममिन नहीं है ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं Allah को धोखा तो कोई भी नहीं दे सकता उनका ख्याल है कि हम हम चक्कर दे रहे हैं हम धोखा दे रहे हैं अल्लाह को कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऊना वो धोखा नहीं देते अब ये सलासी मुजरद में इस्तेमाल हुआ वो धोखा नहीं देते वमाय ऊना और नहीं वो धोखा देते नफस की जमा अपने आप को सवाए अपने आप को वो धोखा नहीं देते सवाए अपने आप को वमा या शोरून और वो नहीं शुर रखते वो नहीं समझते शारा या शारो यहाँ से इसका शेर भी इसी से है और शार बाल भी इसी से है इसी से है का मतलब उर्दू में इस्तेमाल होता है शूर का मतलब उसका मतलब होता है बारिक बात का इदराक करना छुपी हुई बात को समझ लेना जो इसके अंदर वाली बात है उसको समझ ये शूर होता है वह मा या शोरू वो शूर नहीं रखते ये अजीब बात भी है कि शूर नहीं रखते यानी ये धोखा दे रहे हैं और ख़ुद भी अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वो ममिन को धोखा दे रहे हैं उनको शूर नहीं है अगर ये मुनाफिक हैं मुनाफिक भी फिर कई किस्म के हुए कि कोई ऐसे मुनाफिक हैं जिनको शूर ही नहीं है क्या मुनाफिक हैं जिनको अपना पता ही नहीं है वो अपने आप को ईमानदार समझ रहे हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे आज हमें तो हम बहुत ज़्यादा हैं अपने आप को मोमिन समझते हैं हमें ये शूर ही नहीं है कि हम अटे हुए हैं रास्ते से अटे हुए हैं तो वो धोखा दे रहे हैं देखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को मोमिनों को लेकिन वो धोखा नहीं दे रहे इसका उन्हें शहूर ही नहीं हो रहा कि धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं वो इस बारीकी को समझ ही नहीं रहे कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं ममा या शरून वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो फिर तर्जमा क्या हो गया युद्ध ऊन वो धोखा देते हैं युद ऊना फ़र्क़ इसमें यह है कि ये खाद यु खाद वातलो जैसे होता है ये वो सीखा होता है कि दोनों तरफ से हो कि मुकाबला हो मुे मुका... मुफाला मुकबला हो कतला ये क़ल यु कातलु का मतलब है दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है ये भी खाद आ ये भी दोनों तरफ से या। कश्म कश्मकश वाली बात आती है अल्लाह पाक ने आगे कहीं जिक्र है ना इन अलमुनाफ़िर कही ना यु खन अला व व खाद अम दोनों तरफ से दोनों जगह व ख आशमालू है कि वो भी इनको धोखा दे रहा है ये भी उनको धोखा दे रहा है ये दोनों तरफ से होता है यकद ऊना एक तरफ से वह धोखा तो वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और ईमान वालों को और वो धोखा नहीं दे सकते या नहीं देते अपने स्वाए अपने आप के वाय शुरून और वो ये बात समझ भी नहीं रहे उनको शोर भी नहीं हो रहा कि हम ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं फ़ी कलूब हम मरदुन उनके दिलों में कोई मर्द है फ़ी कलूब हिम मरदु उनके दिलों में कोई रोग है कोई मर्द है वैसे तो जो जुमलास्मिया बनता है अल मर्जो फ़ी अल मर्जो मर्ज़ उनके दिलों फ़ी ख़लूबहम ये जार मजरूर है अच्छा। अल मर्जो मौजूद उन फ़ी खलूबहम वो ख़बर तो उस रहा मौजूद उन हदफ है लेकिन जार मजरूर को पहले ला के अल मर्जो को मर्जों में कन्वर्ट किया यानी इसको अलमर्ज क्या होगा मरफा इसम को नकरा में कन्वर्ट किया नकरा का तर्जमा हम करते हैं कोई या एक के साथ हम तर्जमा करते हैं अब तर्जमा यहाँ ये उनके दिलों में कोई मर्ज है कोई रोग है उनके दिलों में कोई मर्ज़ है ये कोई का तर्जमा कोई एक मर्ज़ या कोई का तर्जमा करने के लिए इसको आगे लेके क्या फी खलूबहिम उनके दिलों में कोई रोग है कोई मर्ज है फसादल्ल मदा ये रोग क्या है मुनाफकत का मर्ज आमतौर तो पर तो यही कहते हैं कि ये मुनाफत का मर्ज है या कि उनको ये समझ ना होने का ये उनके इदराक की कमज़ोरी का मर्ज है कि वो बात ये बात को समझ ही नहीं पा रहे ये भी उनका मर्ज है वैसे तो मर्द नफाक भी मर्द है और कुफर भी मर्द है और हसद भी मर्द है और गज़ब भी मर्द है और ये दूसरे से हसद कर रहे हैं मुसलमानों से वो भी मर्द है सारा काम ये कर रहे हो मुनाफिन इस तरह कि उनके दिलों में मर्द है और फिर इस मर्द को अल्लाह पाक ने बढ़ा दिया वो बाद आने वाले नहीं है उनका मर्ज बढ़ता जाएगा फ़ादा हुमुल्लाउ मरदा फ ज्यादा ज़्यादा करना ज़्यादा हमल्ला उल्लाह ने ज़्यादा कर दिया मरदा उनके मर्ज को ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो कुफ जो हक़ की तरफ आना चाहे तो अल्लाह उसको खूब इनक्रेज करते हैं आओ जो कुफर में भटकना चाहे उसको भी अल्लाह छोड़ते हैं जो नफाक में ऐसे हैं तो अल्ला, यह अल्लाह पाक उनको भी मोहलत देते हैं आगे वो लफज आ रहे बद हो तो ये मरदा अल्लाह ने इसके मर्ज को बढ़ने दिया बढ़ने तो अल्लाह पाक ने उसके निफाक वाले मर्ज़ को ये जिस जो भी उनके दिलों में कमज़ोरी है कमज़ोर उसको बढ़ने दिया वाला अब लह अलीम और उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है इनको छोड़ दे अल्लाह तीनों बातों में कुफर वालों को भी ज़ोर से नहीं रोकता समझाने की बात कहता है ज़ोर से नहीं रोकता बढ़ने देता है और ईमान वालों को अल्लाह पाक इनक्रेज करता है उसमें भी और जो मुनाफ़ते हैं उनके भी मरस को ऐसे छोड़ दिया समझा वालबलीम इन के लिए सख्त दर्दनाक अदाब है ऊपर काफरों के लिए अदबा नज़ीम का आ गया था इनके लिए अलीम का आ गया कि ज़्यादा दर्दनाक अदाब है यानी उससे भी बड़ा है वो बड़ा अदाब तो है लेकिन दर्दनाक अदाब वो इसकी वजह भी बताई हुई है बीमा कानू क्योंकि ये यकजिबून वो झूठ बोलते थे काज़ाबाई यकजिबो यकिबून ये झूठ बोलते थे और मुनाफिन की निशानी उदूर सल्म ने भी यही फ़रमाई है मुनाफिक के जो पा, पाँच जो उन्होंने निशानियाँ बताई हैं कि वो जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा तो ये मुनाफिक का ग्रुप है जो झूठ बो, बोल जो झूठ बोल रहे हैं अब ये काफनों से ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं कि जहरी तौर पर वह अपने आप को मुसलमान ज़ायर करें और मुसलमान होना तो इसलिए इनके लिए बड़ा अजाब है इनके लिए ज़्यादा दर्दनाक अजाब है बेमकानू ये झूठ भी बोल रहे हैं कील लहुम और जब कहा तर्जमा अगर सीधा करें वा और जब लहुम उनसे कहा गया का, काला काला है फेल माजी मारूफ माजी मजहूल जब काला जल्द उसने कहा कीला उसको कहा गया ला जब होगा उसको कहा गया वैजाकिला और जब कहा गया उनको लहम उनको से दू। पहले वैजा किला को देखने वैदा कीला माजी के साथ जब इजा का एडिशन हो तो तर्जमा ये कर सकते हैं जब उनको कहा गया ठीक तर्जमा है, बिल्कुल वेजा किला और जब कहा गया लहम उनको लेकिन ईज़ा जब माजी के साथ लगे तो वो प्रेजेंट टेंस का भी माना देता है जैसे एजा जा अन्ला जा भी माजी है इजा जा आ जब आ जाए आ, आ गई अल्लाह की मदद वह तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त है जब आ जाए अल्लाह जा की मदद ये भी दुरुस्त है और जब आ जाती है अल्लाह की मदद और यहाँ पे वही जब कहा गया उनको ये तर्जा ठीक है लेकिन इजा लगने से यह तर्जमा भी कर सकते हैं जब कहा जाता है उनको यहां पर यह ज़्यादा मुनासिब है कि जब उनको कहा जाता है लातफ सिदु मत फसाद करो ला तुफ से दो अफसदा फसदा यफ्स दो कोई चीज खराब होना अफसद खराब करना जब उसको इस बबाल में लेके गए अफसद खराब करना यानी फसाद करना ला तुफ से दो अफसदा युफ से दो फसाद करना वो लातफ से दू तुम सारे फसाद, फसाद मत करो तुफ से दू तुम जमा का है आज़र के लिए जमा मुज़क़्कर के लिए लातफ से दू तुम फसाद मत करो फसाद के बिगाड़ पैदा करना उर्दू में फसाद यफ्स दो का अगर सर मादी, क्या सलासी मुजरद में खराब फसाद खून खराब खून

तो अफसादा युफ से दो तुम फसाद मत कर लात तो उसे दू तुम फसाद न करो फिर लात जमीन में ये कैसे है कि फसाद ये कैसे है मुनाफिकीन को जब कैसे कहा जाए कि फसाद ना करो वहाँ वो मदीना में मुनाफिक बज़ायर ईमान ला रहे थे और फिर वो यहूद के पास या दूसरे ग्रुप के साथ आगे आग लग के उनके पास जा रहे थे तो इस बात को उन्होंने कहा कि ये क्या क्या गड़बड़ कर रहे कभी हमारे पास आते हो तो कभी उनके पास इसको फसाद मत करो कालू तो उन्होंने कहा या वो कहते हैं ये पीछे इजाकीला की वजह से यहाँ तर्जा हम कर सकते हैं कि अगर इज़ाकीला का तर्जुम कहें कि वो उनको जब कहा जाता है तो कालू वो कहते हैं या उन्होंने कहा उन्होंने वैसे तो ये मादी है कालू इन नमा इम का मतलब होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है यही है इन नमा ये कुछ नहीं है स्वाय इसके नहनो हम मुसलहून ये भी उस उसी तरह साह यह हो उसे अलिफ लगा के असलह युस हो बनाए और उसका जो फ़ाइल है मुसलह असल युसल उसका भी जैसे मफसिदून आगे लफज आ गया तो उसका फ़ाइल बनेगा मुफसिद और यहाँ असलह का जो फ़ाइल बनेगा मुसलह उसकी जमा मसल हूँ नखनम हूँ हम ही नखन इस्तेमाल हुए मसल हूँ तो काफ़ी हो गया कि हम असलाह कर हम हैं नखन दाखिल होने से हम ही मुस्ल़ हैं कि आलू वो कहने लगे इन नमा नखन मसलि हम ही तो असलाह कर वाले हैं उनका मतलब है कि हम आपकी सुलह कराते हैं यहूदियों से या वो ग्रुप हैं उनके पास इसलिए जाते हैं कि हम आपके असलाह कर रहे हैं कि आपस में आपका झगड़ा दूर हो यहूदियों से कालव नमास हम ही असलाह करने वाले हैं अला, अला पाक फरमा रहे हैं कि अला ये जान लो खबरदार हो जाओ इन हम बेशक वो हम उल्म से दू ये दो दफ़ा हम आए हैं ये सिंपल तो समझने के लिए काफ़ी है कि इन्ना हम बेशक वो हम दोबारा हमाय अलमुफ़ दूँ फसाद करने वाले ये तर्जमा वाज हो सकता है लेकिन अरबी ग्रामर के हिसाब से अगर सिर्फ कहें कि हम मुफ्दूना वो मुफ्द है वो फसाद करने वाले हैं हम मुफ्दूना वो फसाद करने वाले हैं इन्ना हम मुफ्दूना बेशक वो फसाद करने वाले हैं बेशक वो फसाद करने वाले हैं लेकिन इसको हसर करने के लिए जो कायदा है कि उस की ज़मीर भी पहले ऐड करके उसको नकरा को मरफा में कन होम मुफ्त दून, दून, दून मरफा इस्तेमाल हुआ है होमुलमु दून उसको नकरा इस्तेमाल करेंगे लेकिन ज़मीर को एक एक और ज़मीर ऐड कर देंगे ये हसर के मानी देते हैं ये नहीं सिर्फ यही अलामुलमफू ना जान लो कि यही लोग हैं फसाद करने वाले। हाँ का hun, वो उसी तरह होमुलमफल यही है फला पाने वाले वहाँ पर सिर्फ यही लोग फला पाने वाले हैं और यहाँ पे यही लोग हैं फसाद करने वाले अला इन्नाम होमुलमफ से दूना खबरदार हो जाओ कि फसाद करने वाले तो यही हैं वला किन ला फिर वो यशोरून वाला लफ्ज़ आया वलाकिन लेकिन उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं बल्कि बल्कि भी इसका माना होगा लेकिन भी इस्तेमाल वलाकिन बल्कि ला या वो ये बात समझ नहीं पा रहे शोर नहीं रखते फिर ये वो गैर शूरी मुना, मुनाफिक हो सकते हैं कि अपरेंटली बहुत से लोग उनमें ऐसे भी थे कुछ मुनाफिक तो ऐसे थे ना कि उन्होंने तय किया हुआ था थे काफिर लेकिन मुसलमानों में आके मुसलमान बने हुए थे और वो, अंदर से वो काफिर थे वो तो शोरी काफ मुनाफिक थे ना वो तो जानबूझ के लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जो ईमान लाते थे लेकिन दामा डोल ला हा ला हाउला हाउला जैसे होते मुज्बी न वो तजबजब वाले शिकार भी हैं तो उनको वो गैर शोरी हैं वो मुनाफिक ग़ैर शोरी हैं कि उनको सही अभी समझ नहीं आ रही बला या शोरून ये मुफिद हैं इन्हें समझ नहीं आ रही ये मुनाफिक लोग फसाद फैला रहे हैं ये समझ नहीं आ रहे हैं हूँ मफिदून वही जम और तरज फिर वही करेंगे जब उनको कहा जाता है या कहा जाए आमिन ई लाओ ये तो दावे ये तो ईमान लाने वाले दावे वाले हैं उनको कहा जा रहा है जो ईमान ला चुके हैं जिनका दावा है कि हम ईमान ला चुके हैं उनको कहा जाता है आम ईमान लाओ कमा जैसा के अब ईमान का वो मिसाल दे रहे हैं कि ऐसा ईमान लाओ जैसा कमा जैसा के कमा जैसे आमन हो बाकी लोग ईमान लाए बाकी लोग कौन से ईमान का जो स्टैंडर्ड था वो तो माजरीन थे ना ये मदीना में आए नए लोग माजरीन स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड ईमान का तो माजरीन थे ना जो वहाँ से मक्का से आए हुए थे मदीना में वो स्टैंडर्ड थे यहाँ मदीना में भी बहुत से लोग जो ईमान लाए थे उनको कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अपने कबीले के लोग जो ईमान लाए अब्दुल्ला बिन क्या साद बिन महाज है अब्दुल्ला बिन सलाम है ये लोग भी ईमान लाए हुए थे ये वो लोग ईमान थे जो हर पुकार पर खड़े हो जाने वाले वो उनको किसी अपने नुकसान नफा किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती थी जब ईमान ने जो रसूल ने फरमा दिया जो अल्लाह ने फरमा दिया उस पर चल पड़ना है लेकिन ये लोग तो अपना नफा नुकसान देख लाइला हाउला ला हाउला होते थे कभी इधर तो कभी उधर तो इनको कहा जा रहा है कि ईमान उस तरह लाओ जिस तरह ईमान लाए हुए लोग जिनको हम जो महाजरीन है या तुम्हारे कबीले में भी लोग ईमान का लू तो वह फिर क्या कहते कहते हैं अनोम नकमांसफहा ये नफ़ा नुकसान का कैलकुलेट करते रहते थे जो मुनाफिन थे लाइला हाउला वो ये देखते रहे कि ये क्या कर रहे हैं ये अपने घर बार को छोड़कर आ गए हैं अपने माँ बाप को छोड़ कर अपनी दौलत को, छो, अपनी तिजारतों को छोड़ अपनी तजारतों को छोड़कर आ गए हैं जो मक्का से आए हुए थे और मदीना में भी, भी ऐसे लोग जो कुर्बानी देने वाले लोग पैदा हो चुके थे कि वो ये कैसे लोग हैं कि ये कैसा ईमान है कि अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिया ये तो बेवकूफ़ लोग हैं क्या क्या कालू अनो का हम क्या हम ईमान अनो मे क्वेश्चन है, है? क्वेश्चन क्या कहते हैं इस्तेफाम है अनो मे नो नो आ मना हम ईमान लाते हैं या हम लाएंगे नो मेनो हम ईमान लाए मिनो कमा जैसा कि आमनस सफी आमनस की जमा सफी उसको कहते हैं जो अकल में या राय में कमी है। जिसको अकल की कमी हो या उसकी राय कमजोर हो उसको समझ उसको कहते हैं बेवकूफ जिसको हम उर्दू में बेवकूफ कहते हैं अहमक कि हम अहमक़ों की तरह बेवकूफ़ों की तरह सफ़ी की जमे आमन सफ़ा सफ़ा ईमान लाए अच्छा यहाँ भी अरबी का क़ायदा कि आमना वाद के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन आगे ये जमा है सफ़ाहा यह कायदा है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ायर हो फ़ाइल सामने हो उसका होम या क्या कहते हैं उसको इसमें ज़मीर ना हो इसमें ज़ाहिर हो तो उसका फ़ेल वाद ही लगेगा आमस्फ़ हा ई जम तर्जुमा ये करेंगे जैसे ईमान लाए सारे के सारे बेवकूफ़ ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए वो इसको बेवकूफ़ ही समझते थे कि सब कुछ क़ुर्बान कर रहे हैं नुकसान उठा रहे हैं माँ बाप को छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया ये सारी बेवकूफ़ी है तो क्या हम ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत करें इस तरह का हम ईमान लें अल्लाह पाक फरमा रहे फरमाें अलायना हम बिल्कुल वैसा ही तर्जुमा वो अल्लाह पाक फिर फरमा अला इन्ना हम बेशक हम दो दफ़ा हम उसी तरह है असफ़ हहा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अला इन्मुलमुफ से दू ना बड़ी बात थी अला इन्न होाओ हाँ। खबरदार हो जाओ कि यही बस यही है असफ़ा हाँ। यही हैं बेवकूफ़ लोग या ना समझने वाला किला लेकिन ये जानते नहीं इनको पता नहीं है इनको इलम नहीं है वहाँ यशरून पीछे आ रहा था यहाँ यामून एलम नहीं है उनको कि ये लोग क्यों कुर्बानियाँ दे रहे हैं इनको तो इलम है इनको पता ही नहीं है इनको अभी वो इलम नहीं पहुँचा इनको या लमून इनको ये बात जानते ही नहीं है ये लोग के असल में ईमान है क्या वैदा लकुल्ल दीना वैदा लक़ु वैदा और जब लकुल्ल दीना आमनु वो मिलते हैं लका यल लका इल्कान है इल्कान कि मिलना जब वो मिलते हैं अल्दीन आमनु उन लोगों को जो ईमान लाए उन लोगों को मिलते हैं जो ईमान आमनु जो ईमान लाए कलु तो कहते हैं ये ये भी उसी तरह वकूँ आ गया उसी तरह ये माजी है लेकिन जब वो मिलते हैं हम तरजमा क्या कर रहे हैं जब वो मिलते हैं जब वो मिले तरजमा तो वाज तौर पर तो ये बंद है जब वो मिले लेकिन वहीदा लकू जब वो मिलते हैं अल्ला दीना अमन उन लोगों को जो ईमान लाए हुए हैं खालु अमन ना तो उसको कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हुए हैं ये वो लोग ये भी हों या मुनाफ़ हों ये मुनाफिक ज़्यादा मुनाफिक की बात आ गई कि जो ईमान जो कहते हैं हम तो ईमान लाए हैं वहीदा ख़लाऊ जब वो तनहा होते हैं खलबत है। उर्दू में इस्तेमाल होता है खला खला यखलू

ये उनके पास हैं अपने शियातीन के पास जा रहे हैं कि उनकी मैयत में है तो ये है कि ख़ला को जब इला के साथ इस्तेमाल करें तो उनकी सिर्फ तनहनी नहीं है उनकी मैत में होते हैं बिल्कुल अकेले नहीं है वही था ख़ला वला शयातिन हम जब वो अपने शयातिन से मिलते हैं अब इसका तर्जमा ये कर सकते हैं जब वो अपने शयातिन के पास जाते हैं वैसे ख़ला का मतलब गुज़रना भी होता है ख़ला खलत कद खलत में खलत गुज़रना भी होता है तो उसका ये भी माना है गुज़रते हैं जब अपने शेतीन के पास से गुज़रते हैं ख़लव यहाँ ख़लबत वाला है वो मैयत वाला है कि जब वो शेयाती शैतान शया, तो वैसे हम इबलीस को कहते हैं लेकिन शताना हक़ से दूरी को कहते हैं हक़ से दूर होने को शताना भी कहते हैं और कोई और एक और रूट भी इसे भी बनाते हैं जैसे शैतान बनाया कहते हैं शा, शा शात शात बनाए शात से जैसे अर्रहमान बनाए रहीम से ना शात से शैतान बनाए कि उस शाता का मतलब होता है कि हसद में जलने वाला तो ये मतः हसद से भरा हुआ गजब से भरा हुआ तो शैतान ये है कि वह हसद और गजब से भरा हुआ है जैसे रहमान तो गान के वजह वो बाल गल रहम से उस शात से लेकिन ये शैताना से मुनासिब बनता है कि शैताना हक़ से दूरी तो शेती शैतान जो हक़ से दूर है और शेती शैतान की जमा शयातीती नेम उनके शैतान तो शैतान इंसानों में भी हैं और जिनों में भी है तो वो शैतान तो शैतान है लेकिन ये इंसान के शैतान हैं जो उनके बड़े सरदार या कबीले या अब्दुल्ला बिन नबई किस्म के लोग जिनका जिक्र हो रहा है कि जिनके पास जाते इधर आते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं और अपने शयातीन के पास जाते हैं वो शयातीन कौन है वो बड़े सरदार या अब्दुल्ला बिनबई सा नाबकबराना के उनकी बात जिनकी वो बात मानते हैं हमारे बड़े वो शयाती है, है? है? सारे इनके वदा वदा ख़लाउलाशयातीन जब अपने शयातीन की मैयत में होते हैं या शयातीन के पास जाग तनाई में होते हैं कालू उनको कहते हैं इन्मा आकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं वो पूछता होगा ना अब्दुल्ला बिनबाई पूछता हो कि तुम मुसलमान हो कि क्या हो कहते हैं नहीं नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं इनाकुम हम तुम्हारे साथ हैं इन्ना बेशक हम माकुम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मैय हम उर्दू में से मा एलो खा एलो आल मैत हैं माकुम तुम्हारे साथ माकुम हम तुम्हारे साथ वही लफ है, ये है बे, इसके कुछ नहीं है नादा करने वाले इसका रूट लेटर शायद है? है, हादा, हादा जिसको कहते हैं हकारत नीचे घटिया गटिया। इस था जब उसके साथ अलफ सीन तेज लगेगा तो घटिया मांगना वो वाली सिफत का तलब करना क्या मतलब है कि घटिया मांगने का क्या मतलब हुआ कि मज़ाक करना दूसरे को घटिया बनाने की कोशिश करना वो मज़ाक हो जाता है नहनों मुस्ताद उन ये उसका वो है मफूल फाइल है मुस्ताद उन मुस्ताद ए, हम मिजाक करने वाले उर्दू में तर्जमा करें मिजाक करने वाले नहनों मस्ताद उन हम उनके साथ मिजाक करते हैं तो अपने शैतानों के पास आके कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं हम मोमनों के साथ और उनके दीन के साथ तर्जमे में तफसीर में लिखा हुआ है कि उनके दीन के साथ और उन लोगों के साथ हम मिजाक करते दें हम उसको ठाक कर दें अल्लाह यस्तादेम अल्लाह फिर उसके मुकाबले में कहता है कि फिर एहसान है तो इसजा का बदला भी फिर इसजा ही है तो अल्लाह यस्तादिबहम अल्लाह भी उनके साथ फिर ठा कर रहा है उनके साथ मज़ाक कर रहा है वह यह हम और फिर अल्लाह उनको क्या कर रहा है उनको अखीर अकारत उनकी यद्द हम उनको फैला रहा है उनको मोलत दे रहा है उनको छोड़ रहा है वक़्त दे रहा है बढ़ा रहा है मदा यह फैलाना या बढ़ाना या मोलत देना या छोड़ देना यह मद्दा ये मुद्द फी हम उनकी तुगयानी में उनकी सरकशी में तुगयान उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तगा से तुगयान के ब, सरकशी सरकशी बहुत ज़्यादा सरकशी उनकी सरकशी में उनको अल्लाह पाक उनको मोलत दे रहा है टाइम दे रहा है ये मद्दा ये मद्दा यह मुद्दों का मतलब है कि फैलाना उसको बढ़ाना उनकी वक़्त को बढ़ा यह मुद्दी तुगया महहुन ये खास लफ्ज आ गया या माह कि वो अंधे हुए पड़े हैं तर्जमा यह करते हैं वो अंधे हुए भटकते फिर लें एन मीम हा इसका रूट लेटर एन मीम हा है एन मीम आम आम हम हन अम तुन या हम हा मीम क्या एन मीम हा से जो लफ्ज़ बनता है उसका मतलब है अंधा लेकिन दिल का अंधा अकल का अंधा आगे दूसरा लफ्ज दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है अमा एन मीम या से अमिया आमिया अगर कहें बुकम्य आगे वो लफ्ज़ आ रहा है, ओमयोन उसका भी मतलब अंधा होता है वो आंखों का अंधा है वो आँखों का अंधा जो है उसको अमां कहते हैं और जो अक्ल का अंधा है उसको आन मीम हाथ ही है या महून वो अक्ल के अंधे हैं वो अंधे हुए पड़े हैं बटक इसलिए कहते हैं वो बटके हुए पड़े हैं तर्जमा ये क्या करते हैं वो सब अंधे बने हुए हैं यहाँ तर्जमा इन्होंने ये किया हुआ है वो बट, बट अंधे हुए भटक रहे हैं अक्ल के अंधे होंगे तो वो फिर भटक रहे होते हैं ना उनको बात समझ नहीं आ रही थी तो तरजा क्या हुआ कि अल्लाह यसाद हिम अल्लाह उनके साथ मदा करता है और उनको मोलत दे रहा है उनकी गवाही उनको ढील दे रहा है उनकी उसमें सरकशी में और या माहून वो भटकते फिरते हैं अंधे हुए भटकते फिरते हैं उलायका ये वो लोग हैं अदीन ये वो लोग हैं दीन ये वही लोग हैं इस उन्होंने खरीद लिया इश्तरा इस इसका मादा है इश्तरा उन सब ने खरीद लिया अजलाला जलालत को मुश्तरी उर्दू में इस्तेमाल होता है मुश्तरी लेकिन ये बदले में एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेने को इस तरह का मतलब कहते हैं कि इसको दोनों में कहते हैं बेचने में भी ये इस्तेमाल हो सकता है और ख़रीदने में भी इस्तेमाल हो सकता है चीज़ के बदलने में हैं हाँ बे उशार खरीदो फरोख्त हैं दोनों में इस्तेमाल हुए तो नशतरबु जलालत ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद लिया क्या अज्ला जल्लाह वो वल जवान पड़ा हुआ है ना हमने जल्ला जलाल उसकी यानी गुमराही को जवान और ना गुमराह दर्जमा हमने वो किया था जल्ला गुमराह होना जलाल जलालत को उन्होंने खरीद लिया बिलहुदा हुदा के बदले में बे, 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 बे हुदा हदायत के बदले में उन्होंने जलालत को खरीद लिया दोनों चीजें अवेलेबल थी उन्होंने हदायत को छोड़कर जलालत को खरीद लिया उन्होंने फमा रब फमा पस नहीं रबेहा हा यर बहो फायदा देना माल का बढ़ना रबेहा हा यर बहो रबेहत तजारतों के मन सनत तो रब हा के बजाय रब हत तजारत हम उनकी तजारत ने उनको नफ़ा नहीं दिया फ पस नहीं माम नहीं रब उसको उसने नफ़ा दिया किसने तजारत हम उनकी तजारत ने उनके इस खरीदो फ़रोख़्त ने ये जो दलालत ख़रीद ली है हदायत के बदले में इस में उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ व माँ कानून और वमा कानू और नहीं काना यकून काना होना वो है? माजी में।, में काना वो था कानू वो थे वमा कानू मोहतदीन वो नहीं मोहत मोहत मौ, हदायत वाले जिनको हदायत मिल जाए मोहतदीन वो हदायत पाने वाले नहीं हैं यहाँ पे भी एक लफज है राब रब इसका भी उन्होंने रब हा फ़ायदा माली फ़ायदा तजारतों में उनकी तजारत ने फ़ायदा नहीं दिया ये रे बे हाय इसका भी मतलब है कि माली फ़ायदा और रे बे वाव जो है रेबा वो भी माली फ़ायदा है ये हलाल है तजारत में ज़्यादा और वो वाव जो है वो उस वो हराम है रूट लेटर ऐसे ही वो भी रे बा बनता है और ये रब है जो ये जायज़ है तो ये अगली दो आयतें रह गई हैं वो मिसालें हैं उसमें ज़रा बहुत सी तश्री तलब बातें हैं उसमें तो इसलिए हाँ इसलिए मैंने यहाँ तक ही कहा था कि वो ज़रा मुश्किल आयात है मैं दो दो तफासिर देखी अजीब बात है वो फिर कभी मौका मिला फिर बात करें इस तरह तो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे तो उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ आ रही हो अगर